लकड़ी हम और यज्ञ करना है सामूहिक रूप से, और उसके बाद जिन माताओं ने कलश उठाए हैं यात्रा में उनको कलश प्रदान किए जाएंगे, दिए जाएंगे आशीर्वाद के रूप में, उसको कैसा उसको प्रयोग में लाना है ये कल बताया जाएगा। आज सुदामा जी को जो चावल चढ़े जो लोग लाए हैं वो चढ़ा चुके, जो नहीं लाए वो कल भी चढ़ा सकते हैं, और उनको कल चावल आशीर्वाद में प्रसाद में दिए जाएंगे, कैसे भोग करना है ये भी बताया जाएगा। श्रृंगार जो मैया रुक्मिणी को चढ़े हुए वो भी कल प्रदान किया जाएगा, और हम सभी लोग प्रसाद भी लेंगे और परिक्रमा भी करेंगे, और भगवान जी से यही कामना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसी कथाओं को श्रवण करने का, इस लीला को कराने का आयोजन कराने का अवसर पुनः फिर मिले। आप सभी भामाशाहों ने बड़ा भाव से सहयोग
तेरी
गुरु सच्चे दरबार
Thank you.